हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था, तारे हैं सिया लव स्टोरी के फेवर्स पार्ट में, कि जैसे सिया के पापा बोलते हैं कि मुझे तो तारा के हाथ का खाना खाना था, तारा की जितना स्वादिष्ट तो अभी तक तुम्हारी माँ नहीं बना पाती। और ये सुनते ही सिया जो है वो तारा की तरफ देखती है और कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना था, जो तो तुमने मुझे उस दिन बना के खिलाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। तभी तारा हंसते हुए कहती है अच्छा मन था मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने का, तो बोला क्यों नहीं? सिया बोलती अगर आपको बोल देती तो मम्मा मेरी जान ले लेती। ये दोनों ऐसे ही आपस में घुस घुस करके बात कर रहे होते हैं और सिया की मम्मा ये देखती हैं और उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो खाने की टेबल से तुरंत उठ जाती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती हैं। सिया कहती है मम्मा को क्या हुआ? तो सिया जो है वो तारा के पीछे जाने लगती है और तभी सहारा जो है वो तारा को इशारा करती है कि आंटी खाने की टेबल तुम्हारी वजह से छोड़ के गई हैं। तारा को कुछ समझ नहीं आता और वो सारा को बोलती है ऐसा कुछ नहीं है सारा, कहती मैंने पहले ही बोला था वो तुम्हें हेट करती हैं, उन्हें तुम्हारा और सिया का साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मेरी बात मान जाओ, बार बार खुद को दुखी मत करो। तारा बोलती है तुम चुप रहो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और वहाँ दूसरी तरफ नैना जो होती है वो सारा और तारा की सारी बातें सुन रही होती है और कहीं ना कहीं समझ भी नहीं होती, और वो मन ही मन में कहती है कि इसका मतलब कि सिया की मम्मा बिल्कुल भी नहीं चाहती तारा और सिया की दोस्ती, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तारा सिया की मजीद दोस्त बन करे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सिया फिर से इसे हर्ट करेगी, अगर इसे हर्ट हुआ तो शायद मुझे भी हर्ट होगा। नैना मन ही मन में तारा को अपनी दोस्त ऑलरेडी बना चुकी थी, पर तारा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो बहुत परेशान बैठी होती है सिया और उसकी मम्मा को लेके, और तभी तारा खड़ी हो जाती है, सारा उसका हाथ थामते हुए कहती है कि तुम कहाँ चली, चुपचाप बैठ जाओ। तारा बोलती कम ऑन मुझे जाके देखना होगा सब ठीक है कि नहीं। सारा बोलती अगर सब ठीक भी होगा ना तुम्हारे जाने से सब खराब हो जाएगा, तो तुम प्लीज़ बैठ जाओ। तो तारा वापस बैठ जाती है, पर उसका मन शांत ही नहीं होता, उसका मन तो बस उसी तरफ लगा होता है। वो बार बार यही सोच रही थी क्या मेरी वजह से सिया की मम्मा सिया पे चिल्लाएंगी, क्या आंटी को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, पर क्यों यार मेरी गलती क्या है? तारा बहुत सोचती है पर उसे कहीं भी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही होती, क्योंकि तारा की तो इन सब चीज़ों में कुछ गलती थी ही नहीं। और वहाँ दूसरी तरफ सिया जो है अपनी मम्मा से बात कर रही होती है, सिया की मम्मा सिया को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मुझे वो तारा बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया बोलती है मम्मा मैंने भी आपको बोला था कि तारा बुरी लड़की नहीं है। उसकी मम्मा कहती ओ तब तुम्हारे लिए अपनी माँ से ज़्यादा वो लड़की इंपॉर्टेंट होगी। सिया कहती मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मम्मा कहती फिर मेरे सर की कसम खाओ कि तुम तारा से कभी बात नहीं करोगी। सिया एकदम चुप हो जाती है। उसकी मम्मा कहती खाओ मेरे सर की कसम, पर सिया कसम नहीं खाती, कहती क्या यार मम्मा छोटी छोटी बातों पर कसम कौन खाता है, वैसे भी मुझे कसम वसम बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ तुम्हें कोई कसम नहीं खाने वाली। और सिया ऐसे बोल के बेड पे बैठ जाती है। तभी उसकी मम्मा कहती है मुझे सब दिखता है, मैं समझ के वो लड़की तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और उसकी मम्मा ये बोल के जाने लगती है, सिया कहती मम्मा मेरी बात तो सुनो, पर उसकी मम्मा कोई बात नहीं सुनती। सिया बहुत परेशान हो जाती है, कहती अब मैं क्या करूँ, मुझे मम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी, पर कैसे, मुझे नहीं लगता कि मैं तारा से बगैर बात किए, ये क्या हो रहा है यार, मम्मा समझ क्यों नहीं रही, तारा यहाँ पे मेरी इकलौती दोस्त है, अगर मैंने उसे ही खो दिया तो मेरे पास अपना कहने को रहेगा ही कौन, थी तो अपने ही फ्रेंड के साथ लगी रहती है, मेरे रूम में तो सारे दिन कोई घुसता भी नहीं है तारा के अलावा, एक तारा ही जो मुझे बाहर लेके जाती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, मुझे अच्छा फील करवाती है, मम्मा चाहती है मैं उससे ही दोस्ती तोड़ लूँ। सिया ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और अब वहाँ तारा कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं यहाँ बैठ के ना वेट नहीं कर सकती कि ऊपर क्या हो रहा है, मुझे जाके देखना ही होगा। तारा खड़ी हो जाती है और सारा के मना करने के बावजूद ऊपर रूम में आ जाती है। जैसे वो रूम में आती है देखती है कि सिया अकेली बैठी है और बहुत ही ज़्यादा सैड है। तारा जो है वो दरवाजे पे नोक करती है, जबकि दरवाज़ा तो खुला ही हुआ था। सिया दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है तारा तुम अंदर आ जाओ ना। तो तारा अंदर आती है और सिया के पास चुपचाप आके बैठ जाती है। तारा कुछ भी नहीं बोलती, तो सिया कहती है जो पूछना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। तो तारा बोलती है नहीं मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहती। सिया बोलती पक्का? तारा कहती एक्चुअली हाँ पूछना चाहती हो। तो सिया तारा की तरफ घूमती है, कहती जानती थी तुम ज़रूर पूछना चाहती हो, बताओ क्या जानना है तुम्हें। तारा बोलती मैं ये जानना चाहती हूँ कि आंटी मुझे लाइक क्यों नहीं करती, मेरी गलती क्या है। सिया बोलती देखो यार अगर मुझे कुछ याद होता तो बता भी देती, शायद तुमने कभी कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से मम्मा तुम्हें लाइक नहीं करती, याद करने की कोशिश करो ना, क्योंकि मैंने याद करने की कोशिश की तो सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच जाऊंगी। तो सिया ऐसे बोल के हंसने लगती है। तारा बोलती अपना मार खाओगी दोबारा हॉस्पिटल जाने की बात की हो कि आपको कुछ नहीं होगा, और हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। सिया बोलती तो फिर मम्मा क्यों चाहती है कि मैं तुमसे बात करना छोड़ दूँ। जैसे सिया ऐसे बोलती है तो तारा खड़ी हो जाती है, कहती ओह
तो आपकी मम्मा ये चाहती हैं, तो मानी फिर आपने अपनी मम्मा की बात। सिया बोलते अगर उनकी बात मानी होती तो इस टाइम तुमसे बात थोड़ी कर रही होती। तो तारा फिर सिया की तरफ देखती है, कहती है कि आपके लिए तो आसान है ना मुझसे मुँह फेरना, फेर लो, वैसे भी आपको कौन सा मैं याद हूँ। तो सिया को फिर से बुरा लगने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहती तुम हमेशा ऐसे करती हो, मैं अगर तुम्हें भूल चुकी हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ना, फिर भी तुम हर बात पर मुझे टोंट काटती रहती हो। तारा बोती मैं कोई टोंट नहीं काट रही हूँ। ओके सिया बोती इसे टोंट काटने कहते हैं, हर बात पर तुम मुझे टोंट काटती हो, ये मेरी गलती है। अगर मेरी याददाश्त चली गई तो इन सब में मेरी गलती है। क्या कोई इंसान जानबूझ के अपनी यादें मिटाना चाहेगा? तुम ये बताओ मुझे, क्या तुम अपनी यादें मिटाना चाहती हो? तारा बोती है नहीं, मैं वो यादें कभी नहीं मिटाना चाहती, फिर चाहे वो यादें अच्छी हों या फिर बुरी, मैं उन यादों को हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। सिया बोती जब तुम अपनी यादें नहीं मिटाना चाहती तो तुमने सोच कैसे लिया कि मैं मिटाना चाहती हूँ? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से थोड़ी हो रहा है, और तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, तुम मुझे ऐसे कैसे बार बार टोन काट सकती हो? तो तारा को बहुत बुरा फील होता है, वो कहती है आई एम सॉरी, इट जस्ट कि मुझे हर्ट होता है यार, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप इस दुनिया में सबको भूल जाओगे लेकिन कभी मुझे नहीं भुलाओगी, आप और मैं तो बहुत क्लोज थे ना, पता है पूरी दुनिया हमें अलग करने पे तुली थी, पूरी की पूरी दुनिया पर कोई अलग नहीं कर पाया, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे इतनी आसानी से भुला दोगी। सिया बोती फिर से तुम शुरू होगी, मैंने बोला ना ये सब मेरे हाथ में नहीं है। तारा बोती जानती हूँ पर ये मेरे हाथ में भी नहीं है, जब जब देखती हूँ ना कि आपने मुझे भुला दिया, मुझे जितनी तकलीफ होती है ना वो आप कभी नहीं समझ सकती। और तारा की आंखों में जो आंसू आते हैं वो सिया भी देख रही थी, और साथ साथ सिया की आंखों में भी आंसू होते हैं। तो तारा उसके आंसू पोंछती है, उसे बेड पे बिठाते हुए कहती है कि ओ कम होना बाप, तो रोना बंद करो। सिया बोती तारा बोती तो आपकी मम्मा ने क्या बोला, मतलब वो मान गई, आपको इजाज़त मिली मेरे से दोस्ती रखने के लिए? सिया बोती नहीं, और मैं तो चाहती थी कि मैं उनके सर की कसम खाऊं और उनसे प्रॉमिस करूं कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तारा एकदम शोक हो जाती है, वो कहती इसका मतलब आंटी मुझे इस हद तक हेट करती हैं, वो तो आपकी मम्मा है ना, आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? सिया बोती ओह तो तुम्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, अगर बोलो तो जाके उन्हें हाँ कर देती हूँ, दे देती हूँ ना प्रॉमिस। तो सिया ऐसे गुस्से में चिल्लाने लगती है, तारा उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। तो सिया एकदम शांत हो जाती है, वो कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। पर तारा सिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, तो फिर सिया भी उसे हक बैक कर लेती है। और वहाँ दूसरी तरफ नैना को बहुत चिल मचरी होती है, सब जानने क्या कि ऊपर क्या है। अब तारा भी ऊपर चली गई थी तो नैना भी हैंड वॉश करने के बहाने ऊपर आ जाती है, और ऊपर आके सीधा वो सिया के रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे वो रूम के बाहर पहुंचती है वो दरवाजे से देख लेती है तारा और सिया ने एक दूसरे को किस तरह हग कर रखा है, और जब वो ये देखते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि वो ऊपर आएगी और इन दोनों को इतना क्लोज देख लेगी, जैसे मानो नैना का तो दिल ही टूट गया हो। नैना तारा को ज़्यादा वक्त से तो नहीं जानती थी, पर फिर भी उसके मन में तारा के लिए कुछ तो था। और जब वो सिया की बाहों में देखती है तारा को तो उसे बहुत तकलीफ होती है, और वो अपने पाँव पीछे की तरफ घुमा लेती है और वहाँ से बगैर कुछ बोले चली जाती है। और यहाँ तारा सिया को हग करके पीछे होती है और कहती है कि हम सॉरी, बात बात पे आपको हक कर देती हूँ, आई नो आपको अजीब लगता होगा, पर सिया बोती नहीं मुझे अजीब नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। तो तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है, और फिर तारा कहती सच में अच्छा लगता है? तो सिया एकदम पीछे हो जाती है, कहती क्या नहीं मैं वो, तो तारा हंसते हुए कहती इट्स ओके, कवर अप करने की कोशिश मत करो क्योंकि आपको कवर अप करना बिल्कुल नहीं आता। सिया बोती नहीं मैं कोई कवर अप नहीं कर रही थी। ओके तभी तारा बोलती है कि ठीक है अच्छा मुझे कुछ काम है मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आके मिलती हूँ। तो इसे तारा जाने लगती है, सिया बोलती ठीक है तुम भी चले जाओ, वैसे भी मेरे रूम में कोई आता तो नहीं है, अकेली पड़ी रहती हूँ, जब वक्त मिले आ जाना। तारा बोलती ऐसे मत बोलो सभी तो आते हैं आपके रूम में। सिया बोलती बस करो यार, अगर कोई आता भी तो सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए, हाल चाल जानता है और वापस लौट जाता है, जैसे मैं कोई जिन भूत हूँ उन्हें खा जाऊँगी। अकेले इस रूम में रह रह के बोर हो चुकी हूँ, अब तो मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। तारा बोती तो फिर आज रात फिर से कहीं जाने का प्लान बनाए? सिया बोती नहीं वो बहुत रिस्की है। तारा हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो तारा जो है वहाँ से चली जाती है। सिया का बहुत मन था कि वो तारा को रोके, पर वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती है।
वो काफ़ी बोर हो रही थी तो वापस से वो अपना मोबाइल उठा ली थी और उसके मन में एक उम्मीद थी कि वो फिर से पिक्स देखेगी तो शायद उसे कुछ ना कुछ याद आ जाए, और इसीलिए वो पिक्स देखने लगती है। अपने मोबाइल की सारी पिक्स देखती है और उसमें भी उसका ज़्यादातर मोबाइल तो तारा की पिक्स से ही भरा हुआ था। और तभी सिया तारा की एक अकेली पिक देखती है जिसमें तारा बहुत हॉट लग रही थी और तारा ने थोड़ी हॉट वाली ड्रेस भी पहन रखी थी। तो सिया तो भाई उस पिक को देखती रहती है, वो बहुत जूम करती है तारा के फुल फेस पे और उस पिक में थोड़ा सा तारा का टमी भी दिख रहा था। तो सिया उसकी टमी वाली जगह पे भी जूम करती है और जैसे ही जूम करती है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सिया को कुछ फील होने लगता है पर क्या वो समझ ही नहीं पाती और वो जल्दी से मोबाइल ऐसे उल्टा करके रख देती है और कहती शिट ये क्या देख लिया मैंने, तारा की ऐसी पिक मेरे मोबाइल में क्यों है। तो सिया जो है उस पिक को डिलीट करने लगती है, वो ऐसे ही डिलीट वाले आइकन पे टच करती है पर उसे डिलीट हो ही नहीं पाती, वो तुरंत बैक कर देती है और फिर कहती है कि बस बहुत हो गया, ये पिक्स देख के मुझे कुछ नहीं याद आने वाला। और घंटों ऐसे ही बैठी रहती है सोचती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। और तभी सिया कहती है कि लास्ट टाइम मैंने आँखें बंद करी थी, नींद आ गई थी तभी वो सब दिखा था, शायद इस बार फिर से ऐसा हो। तो सिया सो जाती है पर वो डिसपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी कोई भी ड्रीम नहीं आता, ना उसे तारा दिखती है अपने ड्रीम में ना ही कोई और इंसान। तो सिया उठ के बैठ जाती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और वहाँ दूसरी तरफ तारा जो है वो कुछ काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी वो तो अभी हमें भी नहीं पता। और वहाँ सारा जो है वो तो बस अपनी जैस के साथ ही लगी हुई थी, वो हर टाइम जैस के आगे पीछे घूमती रहती है। जैस तब जो है वो सारा को बहुत सता रही थी, सारा उसे कहती है कि तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, हाँ अच्छा होता कि मैं भी सिया की तरह यादाश खो देती फिर आप भी तारा की तरह रोती रहती तब मज़ा आता, अभी मैं इतना प्यार करती हूँ तो आगे पीछे भाग दो ना तभी भाव खाती हो आप। तो जैसे सारा ऐसे बोलती है कि मेरी भी यादाश चली जाती तो जैस को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती क्यों तो मुझे इतना थक गई हो क्या, इतनी तंग आ गई हो कि अब तुम मुझे झेल भी नहीं सकते, मुझे भुलाना चाहती हो। सारा बोलती नहीं तुम गलत समझ रही हो जैस, बोलती मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हो कि मैंने जो सही समझना था समझ लिया और हाँ अब तो मुझसे बिल्कुल बात मत करना। और जैस गुस्से से वहाँ से चली जाती है और वहाँ नैना की दिल की घबराहट बढ़ती ही रहती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, उसकी आंखों के सामने बार बार वही हग सीन आ रहा था और वो बहुत गुस्से में होती है और वो सोचती है कि उसे सारा से बात करनी चाहिए, इसलिए वो सारा से बात करने के लिए रूम में आती है। जैसे रूम में आती है सारा उसे देखती होगी इस टाइम मेरा मूड बहुत ख़राब है प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो नैना बोलती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरी और तारा की फ्रेंडशिप करवाओगी पर कब। तभी सारा बोलती है कि देखो यार प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरा मीटर बहुत घुमा हुआ है। तो बोलती क्यों ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ मेरा दिमाग तुमसे भी ज़्यादा घुमा हुआ है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा तारा के करीब जाने के लिए। और तभी सारा बोलती तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, नैना बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं मुझे बताओ अभी के अभी। सारा का दिमाग पहले ही बहुत ख़राब था लेकिन वो खुद को शांत करती है, पानी पीती है और कहती है कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे नाराज़ होकर चली गई पर तारा के लिए एक अच्छा काम ही कर लेती क्योंकि मुझे लगता है कि नैना शायद तारा के लिए परफेक्ट है। और सारा ऐसे सोच के नैना को कुछ आइडियाज़ देने लगती है जिसके थ्रू वो तारा के करीब जा सकती है। और सारा भी जैसे आइडिया देती है नैना बहुत खुश होती है और झलने लगती है कि तुम तो सच में ग्रेट हो, तुम ऐसे आइडियाज़ लाती ही ऐसे हो। तो बोलती अब ज़्यादा नहीं हो रहा और हाँ अब दोबारा मुझे परेशान मत करने आना ओके अब जाओ यहाँ से। तो नैना वहाँ से चली जाती है, नैना जो है वो सीधा तारा को ढूंढने के लिए निकलती है पर वो पूरी हवेली में देख लेती है उसे तारा कहीं दिखती नहीं है। और तभी वो कहती है ये तारा कहाँ गई, कहीं सिया के रूम में तो नहीं। तो वहाँ पे सिया के रूम में देखने के लिए जाती है, सिया का दरवाज़ा खुला होता है और सिया देख लेती है नैना को, कहती अरे नैना आओ ना बैठो मेरे पास। तो नैना सिया के पास जाके बैठ जाती है और ऐसे उससे हाल चाल जानने लगती है। सिया बोलती हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे गाँव में। तो बोलती क्या यार क्या खाक मज़ा आएगा, ना मुझे कोई घुमाता है ना कोई बाहर लेके जाता है जिसे देखो बिजी। सिया बोलती क्यों दी कहाँ है, वो तुम्हें घुमाने के लिए नहीं लेके जा रही। वो बोलती नहीं यार तुम्हारी दी के पास तो टाइम ही नहीं है, वो छुट्टियों पर थी ना तो प्रोफेसर ने उसे असाइनमेंट दिया जो उसे यहाँ से ही पूरी करनी होगी और वो मैं लेके जाऊँगी तभी तो मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम रहना पड़ रहा है और वो अपनी असाइनमेंट में लगी हुई है मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रही। तो सिया बोलती हाँ तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, वैसे भी मैं अभी मेरे रूम में अकेली ही रहती हूँ। तो वो कहती हाँ ठीक है। तो वो सिया के साथ बैठी रहती है और उससे काफ़ी बातें भी करती है क्योंकि वो कहती है कि सिया तो तारा को अच्छे से जानती होगी, चाहे चीज़ें भुला भी गई पर अभी भी इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है तो शायद इसके थ्रू मुझे तारा के करीब जाने का मौका मिले। तो वो सिया से बातों ही बातों में बहुत कुछ जानने की कोशिश करती है।
वो ऐसे ही सिया से बातें कर ही रही थी कि तभी रूम में तारा आ जाती है। तारा कहती है कि अरे सिया, वो मैं कह रही थी कि वो जैसे ही देखते हैं कि सामने नैना है तो वो एकदम चुप हो जाती है। नैना तारा को देख के खड़े हो जाती है, कहती है बोलो तुम कुछ कह रही थी ना। तो वो कहती नहीं आपसे नहीं कह रही थी, वो सिया से। तो कहती ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। तभी सिया बोलती है अरे कहाँ जा रही हो, बैठो ना, ऐसे भी रूम में जाके बोरी हो जाओगी थी तो अपनी असाइनमेंट ही कर रही होगी ना। तो तभी नैना बोलती ठीक है। तो नैना वहीं पर बैठ जाती है, तारा सिया से कुछ बात करना चाहती थी पर नैना को देख के कुछ करके बात ही नहीं करती। और तभी सिया कहती है कि तारा तुम तो गांव को अच्छे से जानती हो ना, तुम क्यों नहीं नैना को घुमा देती, दी बिजी और मुझे तो कोई बाहर जाने की अलाउ ही नहीं करेगा। तो तारा बोलती हाँ वो, तो नैना बोलती वाह ग्रेट तारा, तुम मुझे गाँव घुमा दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसे भी मैं जब से यहाँ आई हूँ बस अंदर ही पड़ी हूँ, प्लीज़ ना घुमा दो। तो तारा बोलती है हाँ ठीक है घुमा दूंगी। तो नैना तारा का हाथ पकड़ती कहती उठो उठो चलो चलो अभी चलते हैं। तो वो तारा बोलती अभी कैसे, बाद में घुमा दूंगी ना। तो नैना बोलती नहीं यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ अभी घुमा दो ना। और सिया जो है वो तारा और नैना को देख रही थी। और तभी सिया की नज़र जाती है कि नैना ने तारा का हाथ पकड़ा हुआ, तो सिया को कुछ अच्छा नहीं लगता। और तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है अभी चलते हैं, मैं भी साथ चलूँगी। तो सिया जो है वो अपना शूज़ पहन लेती है। तारा एकदम हैरान हो जाती है, वो कहती है कि आप कैसे, कोई आपको इस टाइम बाहर नहीं जाने देगा। तो सिया बोलती है रात में जाने से तो अच्छा तो दिन में ही जाना है ना। तो तारा एकदम खास नहीं लगती है, तो सिया चुप हो जाती है। नैना ऐसे इन दोनों को देखती है और तारा बोलती अब देख क्या रही हो चलो फिर। तो तारा ऐसे बोलती अपना हाथ छुड़वा देती है। और तभी ये तीनों जो है वो नीचे की तरफ आते हैं। जैसे ये लोग नीचे आते हैं तो सिया की मम्मा जो है वो नीचे ही बैठी होती है और उन तीनों को आते हुए देख लेती हैं। और वो कहती है कि तुम तीनों कहाँ चले। और तभी सिया कहती है मम्मा वो नैना को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, वो गांव देखना चाहती थी ना जब से आई है, रूम में अकेली बोर हो गई और मैं भी पूरा गांव देखना चाहती हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, इसलिए तारा के साथ जा रहे हैं, उसे तो गाँव के बारे में हर एक चीज़ पता है ना। और तभी सिया की मम्मा सिया को घूरती है और दिल ही दिल में कहती है मैंने आज ही से मना किया है तारा के साथ घूमने फिरने से, उससे बात करने से, उसके साथ घूमने जा रही है। और तभी सिया को याद आता है कि अरे यार मम्मा ने आज ही मुझे मना किया था और मैंने मम्मा के मुंह पे बोल दिया, और सिया ने इसने नीचे कर लिया दिया। और तभी तारा बोलती है कि इट्स ओके सिया आपको रेस्क्यू जरूरत है, मैं अकेली नैना को घुमा के आ जाऊँगी चलो नैना। नैना तो बहुत खुश होती है कि भाई उसे अकेले तारा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और मन ही मन में कहती है कि ये अच्छा है, अब मैं तारा को अच्छे से जान भी सकूँगी और उसके करीब भी जा सकूँगी। और जैसे ही तारा और नैना जाने लगते हैं सिया कहती है कि रुको मेरे बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोला ना मैं साथ चलूँगी। तारा बोलती है पर सिया कहती है कोई परवाह नहीं मम्मा प्लीज़ जाने दो ना। फिर सिया की मम्मा बगैर कुछ बोले ऊपर की तरफ चली जाती है। नैना बोलती है कि लगता है आंटी नाराज़ होगी, आप प्लीज़ घर पर रहो रेस्ट करो आंटी, वरना बहुत गुस्सा करेंगे आपसे बात तक नहीं करेंगी। सिया बोलती वो मेरी मम्मा है, मैं अच्छे से उन्हें मनाना चाहती हूँ और तुम ना ज़्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे पता है तुम मुझे बाहर लेके जाना ही नहीं चाहती तभी ऐसे बातें कर रही हो ना। तारा बोलती नहीं मैं ऐसा क्यों चाहूँगी भला, सिया बोलती तो फिर लेके जाओ मुझे बाहर। तो तारा हंसते हुए थी हाँ ठीक है चलो। तो उसके बाद ये तीनों जो है वह हवेली से बाहर निकल आते हैं। और जैसे ये लोग हवेली से बाहर आते हैं तो सिया बहुत खुश होती है और वो इधर उधर पूरे गांव का देखने लगती है। तारा जो है वो इन दोनों को पूरा गांव अच्छे से विज़िट करवा रही थी। और तभी सिया कहती है कि सुनो ना क्या हम उस घर में जा सकते हैं। तारा होती उस घर में मतलब सिया होती अरे लास्ट टाइम हम गए थे ना मुझे उस घर में जाना है। तारा बोलती उस घर में जाके क्या ही करोगी आप, सिया बोलती प्लीज़ ना। तो तारा साफ मना कर देती है। सिया को थोड़ा बुरा लगता है कि मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहती। और तभी मन ही मन में तारा कहती है कि वो हमारी सीक्रेट प्लेस है, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर किसी गैर इंसान को लेके जाऊँ। पर वो सिया को ये सब बातें नहीं बोलती, मन में बोलती है। तो सिया थोड़ा अपसेट हो जाती है, उसे लगता है कि शायद तारा जानबूझ के उसे वहाँ नहीं लेके जाना चाहती। और तभी नैना कहती है कौन से घर की बात कर रहे हो। तारा बोलती है नहीं कुछ स्पेशल नहीं छोड़ो। तो सिया को और ज़्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद तारा जो है ऐसे पूरा घर जो है उन्हें घुमा रही थी। और तभी घुमाते घुमाते ये उस हलवाई की शॉप पे लेके चली जाती है। और वहाँ पे जैसे वो हलवाई वाला सिया को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, वो सिया से मिलने आता है, उसे ढेर सारे आशीर्वाद भी देता है और उसे कहता है कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। सिया तो उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। और वो फिर तारा को भी अच्छे से मिलते हैं और इसके बाद दोनों को गर्म में गर्म जलेबी देती है और कहते हैं लो बेटा तुम दोनों की फेवरेट जलेबी। और सिया ऐसे तारा को देखती है और कहती है ये भी हमें जानता है। तो तारा हंसने लग जाती है। और
और तभी ये लोग वहाँ बैठ के जलेबी खा रहे होते हैं और नैना भी जलेबी खा रही होती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और तारा हंसते हुए कहते हैं कि वाओ जलेबी और बारिश, आज तो मज़ा ही आ गया। और तारा से बोल के बाहर हाथ निकालती है, उसके हाथ भीग रहे होते हैं। सिया बोलती क्या कर रही हो, बीमार पड़ जाओगी, हाथ अंदर करो। पर तारा अंदर नहीं कर रही होती, तो सिया थोड़ा आगे होकर उसका हाथ यूँ खुद नीचे कर दिया, कहती है बोला ना बाहर मत निकालो। तो तारा बोलती अच्छा ठीक है यार, नहीं निकालती, क्या है मम्मा मत बनो यार। तो सिया बोलती अच्छा ठीक है निकालो, नहीं जाके खुद ही बाहर खड़ी हो जाओ, ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तारावती अरे गुस्सा क्यों करे हो यार। सिया बोलती क्या गुस्सा, ठीक है मैंने कुछ भी नहीं बोला। तारावती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। और तभी वो हलवाई अंकल कहता है क्यों बेटा आज कहीं बाहर घूमने का इरादा नहीं है तुम लोगों का। तो तारा हंसने लग जाती है और सिया ऐसे ही घूरती है क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। और तभी वो हलवाई अंकल कहता है कि मुझे आज भी वो रात याद है जब तुम लोग के बाबा इतनी तेज़ बारिश में तुम लोग को घूमने ढूंढने के लिए आए थे और तुम लोग तो अपनी ही दुनिया में मगन थे। ऐसे बहुत सताते हो तुम दोनों बच्चियाँ, बहुत मस्ती करते हो कसम से, इसलिए मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। और तभी तारा कहती हाँ वो तो है, मैं भी वो रात कभी नहीं भुला सकती, मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट जो थी। और तभी सिया कहती पर मुझे तो उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। तारा बोलती कोई ना मुझे तो सब याद है ना। और तभी तारा जलेबी खा खा के बहुत हंसने लगती है, उसे उस रात जो कुछ भी हुआ था इन दोनों के बीच वो सब याद आने लगता है। और तारा बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है। सिया बोलती उस रात क्या किया था हमने, हाँ कितनी मस्ती की थी बताओ मुझे। तारा बोलती कौन सी मस्ती, हमने कोई मस्ती नहीं की थी। ओके सिया बोलती कुछ तो है जो तुम इतना हंस रही हो, मतलब कुछ तो अच्छा किया था ना हमने उस दिन। तारा हंसते हुए कहती हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया था हमने। सिया को कुछ समझ नहीं आता पर तारा बहुत मज़े ले रही होती है और नैना को बहुत बुरा लग रहा होता है, कहती ऐसे भी इन दोनों ने क्या किया था। जो सोचिए तारा की फेस से स्माइल ही नहीं जा रही, मुझे लगा था तारा के साथ बाहर आऊँगी तो उसके साथ वक्त बिताने को मिलेगा, उसके करीब जाऊँगी, पर यहाँ भी सिया हम दोनों के बीच में आ रही है, मैं क्या करूँ जिससे सिया हम दोनों के बीच से हट जाए और मैं तारा के करीब जा सकूँ। नैना जो है वो कुछ सोचने लगती है पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्या करे। और तभी नैना के मोबाइल पर कॉल आ जाती है, नैना थोड़ा सैड पर होती है और अपनी कॉल को अटेंड करती है और मोबाइल पर बात करने लगती है। और तारा जो है वो इस मौके का थोड़ा फ़ायदा उठाती है, वो नैना की तरह देखते हैं कि तो साइड पर होगी। तो तारा जो है वो एकदम सिया के करीब बैठ जाती है, सिया यूँ तारा को देखती है और कहती है क्या हुआ। तारा बोलती नहीं कुछ नहीं। तो तारा एकदम सिया के साथ चिपक के बैठी होती है, तो सिया यूँ थोड़ा सा साइड पे होती है और तारा यूँ सिया को देखती है। और फिर इससे पहले सिया कुछ बोले तारा वहाँ से उठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सिया को अनकम्फर्टेबल कर रही है। और तारा वहाँ से उठ के हलवाई अंकल के पास जाती है और उनसे कुछ बात करने लगती है। और तभी हलवाई अंकल कहते हैं कि बेटा मैंने सुना है कि सिया की याददाश्त, तारा बोलती आपने सही सुना, सिया की याददाश्त जा चुकी है। और हलवाई अंकल कहते हैं फिर भी तुम दोनों साथ हो, मतलब उसने तुम्हें नहीं भुलाया। तारा बोलती काश ऐसे ही होता पर सिया मुझे पूरी तरह से भुला चुकी है, ये तो हम दोनों फिर से न्यू सिरे से दोस्ती कर रहे हैं। अंकल कहते हैं कि बेटा वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी, मुझे उम्मीद है तुम दोनों फिर से साथ हो जाओगे, मैं तुम दोनों को बचपन से जानता हूँ, इतने छोटे छोटे से थे तुम और तब से साथ हो और हमेशा साथ रहोगे, मेरी तो भगवान से बस यही दुआ है। और जैसे ही अंकल ये बात बोलते हैं और सिया पीछे खड़ी होती है वो ये बात सुन लेती है और वो तारा को कहती है कि इसका मतलब हम बहुत छोटे थे जब हम दोस्त बने थे। तारा बोलती कुछ ऐसे समझ लो। और तारा जाके यूँ बैठने लगती है और तभी वहाँ पे सिया आके बैठ जाती है, तो तारा उसे थोड़ा सा कैप में बैठती है पर सिया तारा से बात करने के लिए उसके साथ एकदम चिपक के बैठती है और कहती है कि बात को पलटो मत, मुझे साफ साफ बताओ हम दोनों फ्रेंड्स कब बने थे। तारा बोलती है कि आप मेरी पहली फ्रेंड थी। सिया बोलती मतलब। तारा बोलती है कि हम बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे तब हम दोस्त बने थे। तो सिया बोलती है पर आप तो फ्रेंड थी, आप इधर रहती थी। और तारा हंसते हुए कहते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझाने लगूंगी तो आपको समझने समझने में पूरा एक साल बीत जाएगा, तो अभी हम इस टॉपिक पे बात ना करें तो ही अच्छा है। सिया बोलती तुम हमेशा ऐसे करती हो, जब भी मैं तुमसे कुछ पूछने लगूँ तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती, ऐसा क्यों करती हो, मेरे बात को चेंज क्यों कर देती हो। तारा बोलती क्योंकि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझने में आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, एक बार तो आपने मुझे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ लिया था और अपना भी लिया था, पर शायद दूसरी बार समझने में बहुत वक्त लग जाए। सिया बोलती अगर मैं तुम्हें एक बार समझ सकती हूँ तो दोबारा भी समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे कुछ मत छुपाओ और सब कुछ बताओ।
तारा बोलती है मैंने बोला ना ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसी आपको गुस्सा आ जाता है, वो खड़ी हो जाती है कि कब से कॉम्प्लिकेटेड है लगा रखे हैं। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ क्या कि मेरे माथे पे गधी लिखा हुआ है जो बात को समझ में ना पाए, एक बार समझा के तो देखो शायद मैं समझ जाऊँ। तो तारा बोलती है आप चिल्ला क्यों रही हो? सिया बोलती मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, ओके मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मुझे सब कुछ जानना है हमारे बारे में, हमारी दोस्ती कब हुई, कब से हम दोनों साथ हैं और हम कितने क्लोज थे, ईच एंड एवरी थिंग, समझती हो तुम इस बात को? और वहाँ दूसरी तरफ नैना देख लेती है कि सिया तारा पे चिल्ला रही हो, नैना को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी कॉल कट कर देती है और बगैर कुछ सुने समझे कुछ भी नहीं जानती क्या हुआ क्या था, वो तारा के सामने आके खड़ी जाती है और कहती इनफ सिया तुम इस तरह तारा पे चिल्ला नहीं सकती, ओके माना तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है पर तुम इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, हवेली में तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बिना वजह सबको सुनाती रहो और वो भी तारा को जो तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड है। और सिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो, हम दोनों के बीच आने वाली, तुमने बोला ना कि तारा और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड है, तुम हमारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं और तुम होती कौन हो, हम दोनों के बीच आने वाली, हटो सामने से। और सिया खुद ही नैना को साइड पे कर देती है, नैना एकदम हैरान हो जाती है और तारा भी, तारा को समझ नहीं आता कि सिया ने मतलब इस तरह से क्यों उसे साइड पे किया, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था कि जब सिया ने बोला कि हम दोनों की बात है, और इसलिए तारा सिया के थोड़े करीब चली जाती है और उसका हाथ थामते हुए कहती इट्स ओके ओके इतना चिल्लाओ मत, तबीयत खराब हो जाएगी। सिया बोलती नहीं होगी मेरी तबीयत खराब, मैंने जो पूछा मुझे वो जानना है और सब कुछ जानना है, समझी एक एक बात तुम मुझे समझाओगी। तारा बोलती देखो मैं खुद आपको हर एक बात बताना चाहती हूँ, पर डॉक्टर ने बोला है कि आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, मैं जो बातें बताऊंगी उससे आप शायद बहुत प्रेशर लोगी और आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही, देखो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अगर मैं आपको अपने बारे में बताने लगूंगी ना तो आपका एक बार तो दिमाग घूम ही जाएगा। सिया बोलती घूमता है तो घूमने दो पर मुझे सब कुछ जानना है। तारा बोलती अच्छा ठीक है पहले बैठ जाओ, तो तारा सिया को बिठाती है और फिर पानी का गिलास लेके आती है, उसे पानी पिलाती है। सिया बोलती मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे सब जानना है सब सुनना है जो तुम मुझे बताओगी, समझी। और तभी तारा जो है वो यूँ नैना को देखती है और सिया समझ जाती है कि वो नैना के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहती, तो बोलती है ठीक है जब हम घर जाएंगे तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तो मुझे बताओगी। तारा बोलती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। और तभी सिया देखती है कि बारिश थम गई है, सिया बोलती बारिश थम चुकी है हमें वापस हवेली जाना चाहिए इससे पहले बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए। तारा बोलती चलो चलते हैं, तो सिया जो है वह यूँ आगे आगे चलने लगती है और तारा तुरंत भाग के उसके करीब जाती है, उसका हाथ थामते हुए कहती है कि इतना मत तेज चलो कि कीचड़ है गिर जाओगे। सिया बोलती नहीं गिरूंगी मैं, और तभी सिया से आगे कदम बढ़ाती है, वो गिरने वाली थी कि तारा उसे थाम लेती है, कहती बोला था ना गिर जाओगी कभी तो मेरी बात सुना करो। सिया बोलती ठीक है अब धीरे चलूंगी, तो तारा उसका हाथ ऐसे थामे रखती है और कहती है कि अब चलो। तो उसके बाद सिया और तारा ऐसे हाथों में हाथ आमे धीरे धीरे चल रहे थे और नैना इन दोनों के पीछे चल रही थी। नैना इन दोनों को देखते कि किस तरह इन दोनों के हाथों में हाथ है और नैना कहती है कि शायद मैं गलत रास्ते पे आ गई थी, शायद मैंने गलत सोच लिया था, शायद सिया तारा की परवाह अभी भी करती है, शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और मैं ही इन दोनों के बीच में आ रही थी। कहीं ना कहीं नैना समझ चुकी होती है कि इन दोनों के बीच जो प्यार है ना वो अभी भी बरकरार है, सिया अभी भी तारा की परवाह करती है और वो आगे भी तारा का ख्याल रख सकती है, और इसलिए नैना जो है वो मिशन अबॉर्ड करने का फैसला कर लेती है। जो भी उसे सारा ने करने का बोला था वो सब सोचती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और वो इन दोनों के साथ वापस हवेली में आ जाती है। हवेली में आने के बाद तारा को बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगने लगती है और उसे खांसी होने लगती है, और तभी नैना उसके पास जाने लगती है उसका ख्याल रखने के लिए, उसको टिशू ऑफर कराने के लिए, पर सिया जो है वो तुरंत टिशू लेती है और उसको टिशू देती है और कहती है कि क्या हुआ ठंड लगी? हाँ मैंने बोला था ना बाहर हाथ मत निकालो कभी तो मेरी सुना करो। तारा बोलती यार हाथ निकालने से कुछ नहीं होता। सिया बोलती हाँ दिख रहा है हाथ निकालने से कितना कुछ होता है और कितना नहीं होता, तुम बहुत जिद्दी हो। तारा बोलती हाँ ठीक है यार सुनाती रहती हो हर टाइम, हमेशा यही करती हो जब देखो मुझे सुनाती रहती हो नहीं मज़ा आता है मुझे सुनाने में। सिया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है नहीं सुना रही अब चुपचाप बैठो ओके मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तो सिया जो है वो तुरंत मेड को बुलाती है और उससे पूछता है कि मेडिसिन कहाँ रखी है, और वो खुद तारा के लिए मेडिसिन और पानी लेके आती है, और तारा मेडिसिन को देख के मुंह बनाने लगती है। सिया कहती है कि सोच लो अगर नहीं खाओगी तो मेरे पास भी बहुत से तरीके हैं मेडिसिन खिलाने का। तो तारा हंसते हुए कहती है हाँ हाँ जानती हूँ एकदम राक्षस नहीं हो आप खा लूँगी चुपचाप। तो सिया जो है वो तारा के हाथ पे मेडिसिन निकालती है और तारा वो मेडिसिन खाती है, और तभी नैना कहती है कि मैंने सही सोचा था सिया सच में इसका ख्याल रख सकती है, सिया इसे डिजर्व करती है और मैं नहीं, और नैना ये सोच के ऊपर की तरफ चली जाती है।
और तभी वहाँ सारा जो अपने रूम से बाहर निकल के नीचे ही आ रही होती है, और वो देख लेती है कि सिया किस तरह तारा का ख्याल रख रही है। तारा मेडिसिन खाने के बाद कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं रूम में जा रही हूँ, पर सिया उसका हाथ थाम के उसे बिठा देती है, कहती कहीं मत जाओ, इधर ही बैठो। तारा बोलती पर इधर बैठ के क्या करूँगी यार, रूम में जाके आराम से लेट जाऊँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। सिया बोलती हाँ हाँ रूम में जाओगी पर अभी नहीं। और तभी सिया जो है वो मेड को आवाज़ लगाती है, मेड वहाँ पर आती है और उसके हाथ में कुछ होता है। तारे देखे कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये भाप आप नहीं लूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। सिया बोलती चुपचाप बैठो, ठंड लगी है ना तुम्हें। तारा बोलती नहीं नहीं प्लीज़ 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 देखो ये जुल्म मत दाओ मुझ पर, मैं ये नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। तो तारा उठ के जाने लगती है, सिया उसका हाथ थामती है और ज़बरदस्ती उसे उधर ही सोफे पर बिठाती, कहती चुपचाप बैठो बोला ना। और तभी वो मेड जो है वो वहाँ पर आके सेटअप कर देती है भाप वगैरह लेने का ना। तो तारा जो है वो सिया एक तरफ देखती है, कहती नहीं सिया प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे यहाँ से भागना है, मैं नहीं करूँगी ये सब। उसके बोलती मैं सारी बात मानती हूँ ना, मेडिसिन भी खाती हूँ चुपचाप, तो आपको ये करना पड़ेगा। तारा बोलती पर मैंने मेडिसिन ले ली ना, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो सर्दी भी नहीं है। सिया बोलती ले रही होगी या मार खाओगी? तारा बोलती मारोगी मुझे, मम्मा लड़की मुझे प्यार ही नहीं करती है। सिया बोलती हाँ सही पहचाना, मैं सच में प्यार नहीं करती हूँ, चुपचाप भाप लो। तारा कहती सच में राक्षस नहीं हो यार। सिया बोलती ही थैंक यू, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, ओ आज तो किसी ने नहीं किया, चलो भाप लो। तो तारा को मजबूरन भाप लेना पड़ता है, और सारा ऊपर से देख रही होती है, वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि शायद मैंने गलत सोचा था कि सिया अब तारा को डिजर्व नहीं करती, वो आज भी तारा को उतने ख्याल रख सकती है जितना वो पहले रखती थी। अभी तो सिया को कुछ भी याद नहीं, और तभी वो तारा का इतना ख्याल रख रही है, जिस दिन सिया को सब कुछ याद आ जाएगा तो वो तो तारा को अपनी पलकों पे बिठा के रखेगी। सिया आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तारा के लिए एकदम परफेक्ट हो। और सारा ही सोच के वहाँ पे आके बैठ जाती है, कहती हाँ कोई भाप ले रहा है, जहाँ तक मैं मेरी बहन को जानती हूँ वो तो कभी भाप नहीं लेती। और तभी सी आई सारा को देखती है, कहती बहन, और सारा कहती मेरा मतलब फ्रेंड फ्रेंड हाँ। तो सारे बोल के वहाँ से चली जाती है, और तभी सिया तारा को देखती है और कहती है कि हम घर आ गए, अपना प्रॉमिस याद है कि नहीं? तारा बोलती देखो मुझे सर्दी हुई है ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे रूम में जाना है, मुझे आराम करना है, हम सॉरी बाय बाय बाय। तो तारा जाने लगती है, सिया उसकी कमर में हाथ डालती है, उसका हाथ थामती होती चलो तो मैं ऊपर छोड़ के आती हूँ। तो उसका ख्याल रखते हुए उसे ऊपर लेके जाती है, तारा को बहुत अच्छा लगता है, वो तो बस सिया को ही देख रही थी, सिया तारा का बहुत ख्याल रख रही थी। और सिया जो है वो ऊपर तारा को रूम में लेके जाती है, उसे रूम पे जाके लिटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से देती है, कहती है अब सो जाओ समझी, और इधर उधर मत भटकना, आराम करना अच्छे से। तो तारा कहती है ठीक है। तो तभी तारा जो है आँखें बंद करती है, जैसे वो आँखें बंद करती है तो उसे ऐसे आवाज़ आती है कि सिया उठ के जा रही है। तो तारा तुरंत आँखें खोलती है और उठ के बैठ जाती है। सिया बोलती बोला था ना आराम करने को, उठ क्यों गई? तारा बोलती आप मत जाओ ना प्लीज़ इधर रहो ना। सिया बोलती ठीक है। तो सिया तारा के पास ही बेड पे बैठ जाती, कहती लो बैठ गई अब सो जाओ। तारा बोलती नहीं आपकी तबीयत ख़राब है, बैठी रहोगी तो बैक में पेन होगा, इससे अच्छा आप रूम में चली जाओ और जाके आराम कर लो। सिया बोलती प्रॉब्लम यह है मेरा आराम करना ना, तुम इधर ही कर लेती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सिया ऊपर तारा के साथ बेड में आ जाती है उसी की ब्लैंकेट में, और जैसे ही वो तारा की थोड़ा क्रीव आती है, तारा की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, और सिया जो है वो तारा कहती है चलो अब आँखें बंद करो चुपचाप सो जाओ। तारा स्माइल करते हुए आँखें बंद करती है, और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सिया इस टाइम उसके पास और उसका ख्याल रख रही है। और तभी सिया जाए आंखें बंद करती है, और सिया को भी नींद आ जाती है, और तभी थोड़ी देर बाद ही सिया की आंख खुल जाती है, उसे तारा की खांसने की आवाज़ आती है। सिया उठती है, वो देखती है कि तारा को फीवर हो चुका है। सिया बोलती अरे इसे तो फीवर हो गया पर कैसे, मैंने तो इसे मेडिसिन भी खिलाई थी फिर भी फीवर हो गया। सिया बहुत परेशान हो जाती है कि तारा को फीवर कैसे हो गया, और सिया तुरंत उठती है, वो बाहर की तरफ जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो किससे हेल्प ले, क्योंकि अपराध भी काफ़ी हो चुकी थी और सारे सो चुके थे। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि अगर किसी इंसान को सर्दी की वजह से बुखार हो जाए तो उसका ख्याल कैसे रखना है। वो इतना मतलब सोच सोच के भी पागल हो रही, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम ब्लाइंड हो गया था, उसका माइंड ना एकदम ब्लैंक हो गया था, कुछ भी उसके माइंड में नहीं आ रहा था। तो सिया जो है वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और गूगल करती है, गूगल पर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि इस तरह पेशेंट्स का ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है, सिया वो सब कुछ कर रही थी, वो बस तारा को ठीक करना चाहती थी।
और सिया सारा टाइम जाग के तारा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और सुबह जब तारा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सिया उसके पास ही बैठी है, और सारा समझ जाती है कि सिया सारा रात जाग के उसका ख्याल रख रही थी। और तारा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, तारा सिया के हाथों पे किस करती है और उसे बेड पर अच्छे से लिटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि लोग सही कहते हैं, इंसान आपको दिमाग से तो भुला सकता है पर दिल से कभी नहीं। आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो ना, मेरा उतना ही ख्याल रखती हो जितना पहले रखती थी। सच में मैं बहुत लकी हूँ, एक पल के लिए मेरा मन किया मैं दुनिया ही छोड़ दूँ, क्योंकि जिस इंसान से इतना प्यार किया वही मुझे भुला चुकी थी। पर आज मुझे रियलाइज़ हुआ भुला के भी आप मुझे भुला नहीं पाए। और तारे ये बोल के सिया को टाइटली हग कर लेती है, और सिया भी सुकून से सो रही थी और तारा भी सुकून से सो जाती है। और तभी सिया को हल्का हल्का सा याद आने लगता है कि वो तारा का जो ये जो ख्याल रख रही है ये पहली बार नहीं था, उसे पहले वाला कुछ सीन याद आने लगता है कि वो पहले भी तारा का इसी तरह ख्याल रख रही थी। सिया की आँखें अभी भी बंद होती है और वो अपने सपने में सब कुछ देख रही होती है, और वो सिर्फ इतना नहीं देखती, वो ये भी देखती है कि सिया ने तारा के लिप्स पे किस किया। और सिया देख के एकदम डर के उठ के बैठ जाती है, सिया को कुछ समझ नहीं आता, उसको बहुत ही ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और वैसे अपने लिप्स को टच करती है। और तभी वो अपने पास देखती है कि तारा तो बिल्कुल उसके साथ ही सो रही है, और सिया वो तारा के फेस की तरफ देखती है और फिर उसके लिप्स की तरफ देखती है। और सिया को वो सीन याद आता है कि सिया ने उसके लिप्स पे किस किया था। सिया को कुछ समझ नहीं आता, वो तारा के लिप्स की तरफ देखते देखते थोड़ा उसके लिप्स के करीब जाती है और उसके लिप्स को टच करने लगती है। सिया जैसे ही तारा के लिप्स को टच करती है, पता नहीं क्यों सिया के मन में बेचैनी सी होने लगती है और उसको मन में एक हलचल से मचने लगती है। सिया का मन कर रहा होता है कि वो तारा के और करीब जाए और उसके लोगों को एक बार फिर से झूम ले, और सिया बगैर कुछ सोचे समझे तारा के लिप्स के बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाती है। और सिया के जो लिप्स है ना वो तारा के लिप्स के बहुत क्लोज थे, आलमोस्ट किस हो ही चुका था। तभी तारा को खांसी होती है, और तारा को जब वो खांसी होती है तो अपनी आँखें खोलती है और वो देखती है कि सिया के लिप्स उसके लिप्स पे हैं, और तारा एकदम यू हैरान हो जाती है, अपनी पूरी आँखें खोल देती है। और सिया जैसे ही देखती है तारा जग गई है, सिया बहुत घबरा जाती है और वो तुरंत उठ के बैठ जाती है। तारा सिया की तरफ देख के उठ के बैठती है और वो सिया को ही देख रही होती है, और तभी सिया जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोलेगी तारा को, उसने उसे किस क्यों किया। और सिया जो है वो तुरंत बैठ से नीचे उतर दिया और बाहर की तरफ भाग जाती है। और यहाँ तारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद सिया के मन में फिर से उसके लिए फीलिंग्स जा चुकी है, शायद सिया फिर से तारा को प्यार करने लगी है। वो तारा ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वहाँ सिया की तो हालत ख़राब हो चुकी थी, उसे अभी तक समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसने तारा को किस किया तो किया क्यों, और वो भी लिप्स पे। सिया का दिमाग ख़राब होने लग जाता है, वो अपने दिमाग पे बहुत जोर डालती है पर उसे सपने में हुई किस के अलावा और कुछ याद ही नहीं आ रहा था, और जो उसने अभी अभी किस की वो सोच के तो सिया का दिमाग और ख़राब होने लगता है, और वो अपना पिल्लो उठा के अपने सर पे मारने लगती होगी थी ये मैंने क्या कर दिया, अपने तारा को क्या मुँह दिखाऊंगी, अब मैं उसे फेस कैसे करूंगी, अब तारा ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं उसे जवाब कैसे दूंगी, मुझे तो खुद ही नहीं पता मैंने उसे किस क्यों किया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। सिया बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है, उसका दिमाग एकदम घूमने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या किया है उसने तारा के साथ, और अब तारा उससे जवाब लेने आने ही वाली होगी। और सिया सोच के बार बार दरवाजे की तरफ देखती है और डर के मारे उठती है और दरवाजे अंदर से लॉक कर देती है, और सिया के तो हाथ पांव भी कांपने लगते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जहाँ से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते यार, जल्दी से लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना मत भूला करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पर अगर पुराने हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोग प्यार ही नहीं देते, जो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।